रख, ये जो आजमाइशें होती हैं, ये जो तकलीफें होती हैं, ये जो थोड़े से मुश्किल हालात होते हैं। हजरत यूनस अलैहिस्सलाम की दोस्ती होगी हजरत जिब्रील अमीन से, तो जनाब जिब्रील मिलने आए। हजरत यूनस अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जिब्रील मेरा दिल करता है मुझे उस बंदे की मुलाकात करा जो अल्लाह का सबसे ज्यादा इबादत गुजार बंदा है। हजरत जिब्रील अमीन ले गए दूर दूर फलस्तीन के इलाके में, और ले जाकर एक बंदे से मुलाकात कराई जिसकी दोनों आंखें भी कोई नहीं थी, दोनों बाजू भी कोई नहीं थी, दोनों पैर भी कोई नहीं, और उस बंदे की जुबान पर लफ्ज बड़ा क्या जा रही थे, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा, बोल के कहिए या अल्लाह तेरा, ए अल्लाह तेरा शुक्र 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 कर रहा था। हजरत जनाबे सैयदना यूनस अलैहिस्सलाम कहने लगे, मैंने तुझे इबादत गुजार को मिलाने को कहा था, तू कहां ले आया? हजरत जिब्रील कहने लगे, या यूनस, ये हर चीज जाने के बावजूद अपने रब की रिजा पे राजी है, इस वक्त दुनिया में नबियों के बाद जिससे अल्लाह सबसे ज्यादा प्यार कर रहा है वो यही बंदा है, ये अपने रब की रजा पे राजी है। ए तन मेरा कंगी होवे ते मैं जुल्फ सजन दी बावा, ते पोश मेरे दी जुत्ती बन जाए ते मैं यार दी कदमी आवा, मारो मारो मैनू मार मुकाओ, कोई उजर ना पेश ले आवा, ते जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, ते मैं सुख नू चुल्ले डावा, मालक जे भी साल में राजी है तो बस ठीक हो गया, ठीक हो गया। वसल अच्छा है ना फिराक अच्छा है, बस जिस हाल में महबूब रखे वही हाल अच्छा है, बस जिस हाल में उन्होंने रखा बात ठीक हो गई। इसमें अब इंसान शिकवा करते फिरे कि ये किस तरह है, वो किस तरह, अपने आप को मुतमईन रखा है, मुश्किल के बाद जो आसानी आ। हजरत लुकमान हकीम, उनके नाम पर कुरान मजीद की पूरी सूरत है, हजरत लुकमान हकीम अले रहमा, आप अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे, कहने लगे बेटा को मुश्किल आए तो घबराना नहीं, को मुश्किल आए तो करे, बेटों को समझ आ जाए कि मुश्किल आए तो, समझ आ रही है बात की, मुश्किल आए तो, और क्या खूबसूरत जुमले, बेटे को बिठा के कहते हैं बेटा छोटी मुश्किल आएगी तो अल्लाह बड़ी मुश्किलात आसान कर देगा, समझो छोटी मुश्किलात आई तो अल्लाह ने बड़ी मुश्किलें उसने आसान कर दी। और आपको बताऊं असल इंसान होता ही वो है जो मुश्किलों में जीने का ढब सीख जाता है, वो बन जाता है, बन जाता है जो कर्ब के हालात में जीने का सलीका सीख जाए। अपने बच्चों को ये समझाना, हजरत लुकमान बेटे बेटे मुश्किल आए तो घबराना नहीं, बड़ी को टाल देती है वो नेकी का और आसानी का पेशहमा होती है, अल्लाह उसके बाद आसानी समझा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद कहने लगे आओ फुला अल्लाह के नबी की मुलाकात को चले, फुला नबी अलैहिस्सलाम से मिलने चलते हैं, उस जमाने में जो नबी थे उनसे मिलने चले गए। बेटे को बात याद थी, घोड़े पे बैठे, इमाम इब्ने जौजी ने इसको लिखा है, घोड़े पे बैठे थे दोनों, दोनों के पास घोड़े थे। अब रास्ता बहुत ज्यादा था, खाना साथ ले लिया, पानी साथ ले लिया, रास्ता लंबा था, सहरा का इलाका था। जब जाने लगे तो इतनी सख्त गर्मी हुई कि घोड़े भी बेहोश होने लगे, अचानक ऐसी गर्म लू चली कि घोड़े भी। अब दोनों बाप बेटा जो थे वो बड़ी जोश में थे कि जाना ही जाना है, घोड़े से उतरे, उतर करके पैदल चलने लगे। अब पैदल चलते चलते जरा आगे गए तो गर्मी में जितना बंदा पैदल चलता है उतना प्यास भी ज्यादा लगती है, तो पानी पीते रहे, खाना खाते रहे, खाना पानी भी खत्म हो गया। थोड़ा आगे चले ना, इस कदर तकलीफ बढ़ी कि हजरत जनाबे लुकमान के बेटे के पैर के अंदर एक हड्डी पेवस्त हो गई, इतनी बड़ी हड्डी थी वो अंदर ही चली गई, पैर खून के फवारे गिरने लगे, बेटा बेहोश हो गया। हजरत लुकमान उसके सराहाने बैठे तो बेटा था ना, आंखों में आंसू आ गए, बेटे ने आंख खोली तो कहने लगा अब्बा जी आप तो सब्र करने वाले हैं, आप रो रहे हैं, पर मैं बेटे मैं क्या करूं, मेरे सीने में जो दिल है वो एक बाप का दिल है, तो बाप जो हुआ तेरा, तेरी दुख पर रोना आया, बड़ी मुश्किल से दांत के साथ हड्डी निकाली, हड्डी निकली तो खून भी चला। साहब ज्यादा कहने लगा हुजूर आपने तो कहा था हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, और छोटी मुश्किल दे के अल्लाह बड़ी से बचा लेता है, तो हम तो अच्छे काम चले थे, मुश्किल पे मुश्किल, मुश्किल पे मुश्किल, ये क्या है? हजरत लुकमान कहने लगे बेटा ना तू रब की हिकमतों को जानता है ना पूरी तरह मैं जानता हूँ, लेकिन जो मैंने कहा था वो बात सच्ची है, फइन्ना माल उसरी यूसरा, इन्ना माल उसरी यूसरा, अल्लाह हर मुश्किल के बाद आसानी अता फरमाएगा, और फरमाया मेरा ईमान है कि जरूर जरूर अता फरमाएगा। ये बात कह रहे थे कि सामने से धुआं उठा, इतना सख्त धुआं उठा कि आपने सोचा शायद वहां वादिया वहां जाते,
वहां चलने लगे तो पीछे से किसी ने आवाज दी, ठहर जाओ, रुको। वहीं रुक गए। थोड़ी देर गुजरी तो कहा रुक जाओ। जब रुके तो एक बोलने वाला बोला, कहने लगा तुम्हारे लिए थोड़ी देर के बाद जानवरों का बंदोबस्त कर दिया जाएगा, खाने का भी बंदोबस्त हो जाएगा, बच्चे का पैर भी सही हो जाएगा, चले जाना, लेकिन जरा ठहरो। हजरत लुकमान कहने लगे बोलने वाले तू कौन है? तो कहने लगे मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं। कहा अल्लाह के फरिश्ते और ये सारा कुछ क्या है? तो फरिश्ता कहने लगा असल बात यह है कि सामने बस्ती पर मुझे अजाब नाजल करने का हुक्म मिला था, आप बड़ी तेजी से आ रहे थे, मैंने रब से दुआ की कि अल्लाह इस बाप बेटे की गलती कोई नहीं, मेहरबानी फरमा, रब ने पहले आपको सहरा में उलझाया, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपके घोड़े ठहर गए, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपका पानी खत्म हुआ, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपके बेटे को जख्म आया, फिर मेरी दुआ की बरकत से सामने से धुआं उठा। फरमाया ये जो तुम्हें मुश्किल पे मुश्किल आ रही थी, ये तो मेरा रब तुम्हें अजाब से बचाना चाह रहा था, ये जो तुम्हें मुश्किल पर मुश्किल आ रही थी तो मेरा मालिक तुम्हें अजाब से बचा रहा था, तुम समझ नहीं रहे थे। हजरत लुकमान ने बेटे की तरफ देखा तो बेटे कहने लगे अब्बा जी बात बिल्कुल सच्ची है, अफ़दलु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर पढ़ने लगे हस्बुनल्लाहु व निमल वकील निमल मौला व निमन नसीर। ये विर्द होने लगे, भाई जब तुझे मुश्किल आती है, आजमाइश आती है, तो उस वक्त समझता है पता नहीं मेरे साथ क्या बनने लगा है। अल्लाह तबारक व तआला छोटी मुश्किल दे के तुझे बड़ी से महफूज रखता है, छोटी बीमारी दे के तुझे बड़ी से महफूज रखता है। बल्कि मैं एक दफा एक तकलीफ में एक आजमाइश में मुबतला हो गया तो मैंने अपने हजरत से कहा कि हुजूर सारे दुख इकट्ठे ही आ गए, क्या किया जाए? तो आप फरमाने लगे बड़े खुश नसीब हो, जवानी में अल्लाह ने दुख दे दिए, बुढ़ापे में आए तो बर्दाश्त नहीं होते, ये तो बड़े वक्त पे आ गए, शुक्र अदा करना चाहिए, उस जमाने में बर्दाश्त नहीं होते, अब आसानी है, इनको बर्दाश्त करो, हिम्मत करो। मेरे भाई याद रखें आजमाइशें तकलीफें आपको बड़ा करने के लिए आती है। हम आजमाइश को बुरा जानते हैं, दुख को बुरा जानते हैं, दुख तो बड़े प्यारे होते हैं, ये रोने का सलीका सिखाते हैं, ये अल्लाह को मनाने का तरीका सिखाते हैं, ये मस्जिद में जाने का, वो जो सुखी बंदा है ना सुखी। मुझे एक साहब कहने लगे दो किस्म के लोग मदीने से आते, मदीना शरीफ पूछने लगे, कहने लगे हजरत जी दो किस्म के बंदे हैं, कुछ वापस जाते हुए तड़प रहे हैं, कुछ तस्वीरें खींच रहे हैं रुखसती के वक्त, फर्क क्या है? तो मैंने कहा वो जो तस्वीरें खींच रहा है वो अमीर आदमी है, उसे पता है कि मैं फिर टिकट ले लूंगा महीने के बाद फिर आ जाऊंगा, और ये मदीना छोड़ते हुए तड़प रहा है ये कोई गरीब है, ये कह रहा है पता नहीं दोबारा मौका मिले कि ना मिले, ये दुखी है, ये आजमाइश है। दुखी सुखी बंदा तो मक्के जाके नहीं रोता, वहां भी खड़ा है डट के खड़ा, दुखी कोई नहीं तो रोए कैसे, रोए कैसे? दुखी ये दी गल दुखी आई जाने, दुखी ये दी गल, ओ क्या खूबसूरत लफ्ज है मियां साहब की, और लफ्जों में हुसन देखे, कहने लगे दुखी ये दी गल ए दुखी आई जाने ते सुखी नू की खबरां, ते यार जिन्हां दे मौत ने मारे रोंदे नी तक तक कबरां। ये मुश्किल मरहला होता है, जब इंसान तकलीफ में होता है फिर उसे एहसास होता है, और तकलीफ वाले को ही तकलीफ वाले की तकलीफ का एहसास होता है। जब आपको अल्लाह मुश्किल देता है तो समझ ले रब आसानी देना चाह रहा है, जब तेज धूप आती है तो समझ ले अल्लाह गर्म हवा गुजार के ठंडी बारिश बरसाना चाह रहा है, और जब चारों तरफ से घुटन हो, पंजाबी में कहते हैं गुम्मा लग जाए, तो फिर सारे बोल के कहते हैं अब जो तूफान आएगा वो सख्त ही आएगा, इसलिए कि घुटन जितनी ज्यादा होती है फिर फजल भी उतना